पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर इन दिनों भारत में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। सीमा भारतीय युवक सचिन मीणा के प्यार में पड़कर पाकिस्तान से भारत चली आई। वह नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत पहुंची और अपने साथ चार बच्चों को भी लेकर आई है। सचिन और सीमा के दावे के मुताबिक दोनों की शादी नेपाल में हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तानी नागरिक होने की वजह से सीमा हैदर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है और उसके भारत आने के मकसद की हर एंगल से जांच की जा रही है। साथ ही सीमा को पाकिस्तान भी भेजे जाने की चर्चा है, लेकिन सीमा का कहना है कि वह शुद्ध रूप से सचिन के प्यार में भारत आई है और इसके पीछे उसका कोई मकसद नहीं है। सीमा के मुताबिक अब उसने भारत को ही अपना घर मान लिया है, इसलिए वह किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। सीमा हैदर के भारत आने के मामले पर एक बार फिर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब यह पूछा गया कि सीमा हैदर को लेकर मंत्रालय क्या कर रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है। सुनिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस बारे में क्या कह रहे हैं। सीमा जो इलीगल इंडिया आई थी, उनके मामले में मैंने कह रखा है क्या पोजीशन है, मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, हो सकता है आप वो एजेंसी से बात कर लें, हो सकता है उनको पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो। वहीं भारतीय महिला अंजू के पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्लाह से शादी करने के मामले पर भी अरिंदम बागची से सवाल किया गया। अंजू के मामले पर भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। लेडी यहाँ से गई थी पाकिस्तान, अंजू, उनके बारे में आई थिंक वो निजी मामला मैंने कहा था, वो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है। वो गई हैं और हमने उसके बारे में कुछ कोई स्पेसिफिक सुना नहीं है कुछ किसी साइड से। फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। सीमा की तरह अंजू भी खबरों में बनी हुई है। वे अपने परिवार वालों को बताए बिना 21 जुलाई को पाकिस्तान चली गई। राजस्थान की रहने वाली अंजू ने पाकिस्तान पहुंचकर वहां अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है। अंजू शादीशुदा महिला है और उसके दो बच्चे हैं। अंजू के पाकिस्तान जाने से उसके पीछे उसका परिवार तबाह हो गया है। हालांकि पाकिस्तान में अंजू के खुश होने की खबरें आ रही हैं। अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान उस पर मेहरबान है और उस पर तोहफों की बारिश हो रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।